हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी TGT के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फ्रंट रोल, बैक स्टर्डर रोल किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है, या किससे रिलेट करता है। पामेल हार्स से रिलेटेड है, रोमन रिंग से रिलेटेड है, फ्लोर एक्सरसाइज, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है, पामेल हार्स तथा रोमन रिंग्स दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 को अटेम्प्ट करके आपको बता देना कि यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पे कौन सा उत्तर सही होगा। अपनी स्कोरिंग करके भी आप लोग अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सी ऑप्शन फ्लोर एक्सरसाइज के साथ में रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से बैलेंसिंग बीम से संबंधित है, तो बैलेंसिंग बीम से यहां पर कौन रिलेट करता है। प्रेस हैंड स्टैंड माउंट होगा, फॉरवर्ड वॉक ओवर होगा, या फिर स्टैग लीप, एक डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर आपको तुरंत अटेम्प्ट करना है कि सही उत्तर यहां पे कौन सा हो जाता है। बिल्कुल 22 नंबर का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेटेड है, प्रेस हैंड स्टैंड माउंट, फॉरवर्ड वॉक ओवर और स्टैग लैंप, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें, जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम की लंबाई कितनी होती है, बता दीजिएगा, तुरंत राइट आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम की जमीन से कितनी ऊंचाई होती है, इसकी जमीन से आपको बताना है कि ऊंचाई कितनी होती है। 6 इंच होती है, 8 इंच होती है, 9 इंच होती है, या फिर 4 फुट 2 इंच होती है, बताइएगा। 24 का आंसर क्या हो जाता है। 9621819209 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। डेली का डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया, तो वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो रिवीजन टेस्ट है वो भी वहां पे आपको दिया जा रहा है, जो इसके पहले की पीडीएफ कंप्लीट हुई वो भी प्रोवाइड की जा रही। तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाता है, डी ऑप्शन होगा, क्या 4 फुट 2 इंच, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम की मोटाई कितनी होती है, जो बैलेंसिंग बीम है इसकी मोटाई कितनी होती है। 10 मीटर इसकी मोटाई होती है, 10 सेंटीमीटर होती, 10 मिलीमीटर होती, 10 इंच होती। 25 का आंसर बी ऑप्शन से रिलेटेड है, 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 26, जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम के लैंडिंग मैट की लंबाई कितनी होती है, जो लैंडिंग मैट है इसकी लंबाई आपको बताना कि कितनी होती है। 19 मीटर होती है, 17 मीटर होती है, 16 मीटर होती, या फिर डी ऑप्शन है 29 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आना चाहिए सभी का आंसर, और स्कोर आपका 17 से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 17/20 मैक्सिमम मार्क्स आने ही चाहिए। राइट आंसर 26 का किससे रिलेट करेगा, इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाता है यहां पर क्या, बी ऑप्शन 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम के लैंडिंग मैट की चौड़ाई कितनी होती है, जो चौड़ाई होगी ये कितनी हो जाएगी, 4 मीटर से रिलेट करेगा क्या, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में वॉल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी है, जो वॉल्टिंग टेबल होती है इसकी लंबाई कितनी होती है ये बताइएगा। 160 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती है, 500 सेंटीमीटर, या फिर 580 सेंटीमीटर। टेबल जो होती है इसकी लंबाई पूछा गया वॉल्टिंग में, जिम्नास्टिक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाए 160 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन यहां पे क्या हो जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई बताना है आपको। 29,
और इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। 120 सेंटीमीटर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई कितनी होती है? अब बताना है कि जिम्नास्टिक में जो वॉल्टिंग टेबल होती है उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर होगी, 80 सेंटीमीटर आपका सी ऑप्शन भी दिया, एक डी ऑप्शन दिया हुआ 70 सेंटीमीटर। बताइएगा यहां पे 80 सेंटीमीटर को आप मीटर कर दीजिएगा, आप बताइएगा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 35 सेंटीमीटर ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न में से जिम्नास्टिक से संबंधित आधारभूत कौशल है, कौन सा इसमें आधारभूत कौशल है इससे रिलेट करेगा? पामेल हार्स रिलेटेड है, फ्लोर एक्सरसाइज बैलेंसिंग बीम, या फिर इनमें से सभी? 31 पामेल हार्स इससे रिलेट कर जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। फ्लोर एक्सरसाइज भी सही आंसर होगा, बैलेंसिंग बीम यानी कि डी ऑप्शन इनमें से सभी से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 32 दिया हुआ, महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई कितनी होती है? जो महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई होती है वो हाइट आपको बतानी है इसमें, 1800 mm, 1666 mm, 1200 mm या फिर 1600 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को अटेम्प्ट करिएगा, सही आंसर आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, कांटेक्ट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली का डेली क्वेश्चंस आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, डेली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में अगर नए स्टूडेंट 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 सी ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट्स का आया है, 1200 mm के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई कितनी होती है? महिलाओं के लिए बताना है आपको यहाँ पे 100 mm, बिल्कुल तुरंत आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वीडिश जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है स्वीडिश जिम्नास्टिक का पितामह? अरस्तु, लिंग, एवं अभी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जिम्नास्टिक में सर्वप्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो सबसे पहले जिम्नास्टिक में पुस्तक किसने प्रतिपादित की थी? 35 का सी ऑप्शन गटस मटस ने प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1881, 1890, 1900 या फिर 1888 में हुई थी? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना की बात की जाए तो 1881 के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही आंसर होता है। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। आपको जैसे ही आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी, जिस तरीके से पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे थे सेम उसी पैटर्न पे यूपी टीजीटी के बैच में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कहां हुई? इसकी स्थापना कहां हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी, नागालैंड में हुई थी, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना हुई कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955, 1951, 1999। भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना हुई थी कब? आंसर आ रहा है बहुत से स्टूडेंट का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना कहां हुई? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर असम? 39, तो भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी, सी ऑप्शन के साथ में रिलेटेड। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? तो इसमें जो प्रतियोगिताओं की संख्या होती है 1, 2, 3 या फिर 4 प्रतियोगिताएं होती है, तुरंत आप लोग अपनी स्कोरिंग करके बताइएगा कि यहां पे 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। 4 प्रतियोगिताएं होती है, डी ऑप्शन इसका
सही आंसर होगा डी उत्तर, राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ वेरी वेरी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और साथ में जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत वेरिफिकेशन के जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।